वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। हमारे पास जो आपका पेपर है हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये है आपका एक्सरे असिस्टेंट फर्स्ट ईयर का पेपर, ठीक है। और ये आपका एग्जामिनेशन सेशन था अप्रैल मई 2020, ठीक है। पुराने पैटर्न के हिसाब से जो आपका 2018, 19 और 17 वाले पेपर है वो ऑलरेडी हमने अपलोड किया है, आप एक बार प्लेलिस्ट जाके एक्सरे वाली चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपका जो पेपर है ये 3 घंटे का रहता है और आपके जो है 100 मार्क्स का जो है क्वेश्चन पेपर रहता है। पहले जो था आपका 2017 और 2018 वाली जो है आपकी क्वेश्चन पेपर का पैटर्न था, उसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते थे, जिसमें कि आपको 60 मार्क्स के होते थे लॉन्ग आंसर टाइप की सेक्शन और आपकी जो थी 40 मार्क्स की शॉर्ट आंसर टाइप की सेक्शन। अभी जो है आपका 2020 वाला जो पैटर्न था कोरोना पीरियड वाला, उसमें इस तरह से था कि आपको कोई क्वेश्चन 10 जो क्वेश्चन थे वो अटैम्प्ट करने थे, शॉर्ट आंसर टाइप ही थे और आपको जो है 5 मार्क्स कैरी करते थे। नए वाले जो अभी पैटर्न है 2022 वाला, उसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप ही लिखने हैं बट आपको 25 में से कोई 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप ही लिखना है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करके आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन होंगे, वॉइस आपको क्लियर आ रही होगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया था बोन्स ऑफ अपर लिम, नेम्स ओनली, सिर्फ आपको नेम्स बताने थे अपर लिम्स के, बोन्स के। देन आपका है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इसके आपको डायग्राम इसके साथ जो है मस्ट बनानी ही बनानी थी आपको, ठीक है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 3 सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, शॉर्ट नोट लिखना था। देन पिट्यूटरी ग्लैंड। देन आपका क्वेश्चन नंबर 5 था एक्सरे ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया था इंपॉर्टेंस ऑफ KBP एंड MAS इन रेडियोलॉजी, ठीक है। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 इमेज एंड इट करेक्टरिस्टिक्स। देन क्वेश्चन नंबर 8 है आपका फैक्टर इफेक्टिंग इमेज क्वालिटी। देन क्वेश्चन नंबर 9 टाइप्स ऑफ जनरेटर्स, जनरेटर्स वाला क्वेश्चन आपका जो है फर्स्ट ईयर में हर बार पूछा जाता है एक्सरे वालों को। देन आपका क्वेश्चन नंबर 10 ICRU डेफिनेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड डोज, ठीक है। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयोनाइजेशन चैम्बर। देन क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया था नॉन स्टैटोस्टैटिक इफेक्ट ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन। देन क्वेश्चन नंबर आपसे 13 पूछा गया था अलारा कंसेप्ट ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन, ओके। देन क्वेश्चन नंबर था आपका 14 10-day rule क्या होता है। देन क्वेश्चन नंबर आपका 15 था मेमोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 16 आपको पूछा गया था लीड एप्रन। देन क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया था कंस्ट्रक्शन ऑफ डबल इमल्शन फिल्म। देन क्वेश्चन नंबर 18 था आपका टाइप एंड यूज ऑफ स्क्रीन। देन क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया था ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग। देन क्वेश्चन नंबर 20 आपसे यहाँ पर पूछा गया था गामा रेस, ठीक है। तो ये था आपके फर्स्ट ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन जो है आपका एक्सरे कोर्स उसके अंडर आपसे पूछे गए थे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेंगे, लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। थैंक यू सो मच।